नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाकांत शाह, कान नाक गले का सर्जन हूँ। मेरा एक्सपीरियंस 40 साल का है। मैं कान की माइक्रोसर्जरी और स्वर पेटी की माइक्रोसर्जरी में निपुण हूँ। सिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते हैं उसके सही जानकारी मिले और उसका निदान अच्छी तरह होए, यही हमारा कर्तव्य है। सिम्स हॉस्पिटल में निदान के लिए और सर्जरी के लिए जरूरी जो भी साधन सामग्री है वही उपलब्ध है। आर्थराइटिस और हाइपरटेंशन के बाद बेरापन तीसरे नंबर पर क्रोनिक डिसेबिलिटी में हमारे देश में आता है। सिम्स हॉस्पिटल में मॉडर्न इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, जैसे कि टॉन्सिलेक्टोमी के लिए कोबलेशन, नाक के नेजल पॉलिप के लिए डिब्राइडर और स्वर पेटी की माइक्रोसर्जरी के लिए लेज़र हमारे वहाँ उपलब्ध है। मैं तीन चीज़ों आपको बताना चाहता हूँ। कान के पर्दे में जो छेद होते हैं सभी छेद के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे नाक का पर्दा भी टेढ़ा होता है। हमारी पॉपुलेशन में 60-17% लोगों का नाक का पर्दा टेढ़ा होता है, जिसमें तकलीफ होती है सांस लेने में, उनके लिए ही पर्दे का ऑपरेशन जरूरी है। तीसरा मैं बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गुटखा, तम्बाकू और सुपारी खाने से जो गले में चेंजेस आता है, मुंह में जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं उसकी वजह से मुंह खुलने का धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक बार सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसका क्योर करने की कोई सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उसमें से भविष्य में कैंसर होने की भी शक्यता रहती है। तो मेरी आपको सबको नम्र विनती है कि ये गुटखा, तम्बाकू और सोपानी का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आभार।